अभय ने कहा, अरे सपना, अब मुझसे भी क्या शर्माना, मैं तो तुम्हारा होने वाला पति हूँ ना, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है। तब सपना ने कहा, नहीं अभय, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे शादी से पहले ये सब करना ठीक नहीं लग रहा है। सपना की बात सुनकर अभय कहने लगा, देखो सपना, मैंने तो तन और मन से तुम्हें अपनी पत्नी मान लिया है, और सिर्फ इस जन्म के लिए ही नहीं, पूरे 7 जन्मों के लिए मैंने भगवान से तुम्हें मांग लिया है। अब जब हम दोनों शादी के बंधन में बंधने ही वाले हैं, तो फिर अपने होने वाले पति के सामने ये पर्दा कैसा। सपना मेरी जान, इससे पहले कि कोई आ जाए और तुम्हें फोन रखना पड़े, प्लीज अपने हाथ हटा लो और मुझे तुम्हारी खूबसूरती की एक झलक दिखा दो। तब सपना ने कहा, लेकिन अभय, शादी के बाद तो तुम्हें तुम्हारे सारे हक मिल ही जाएंगे, तो फिर तुम इस वक्त ये जिद क्यों कर रहे हो। तब अभय ने मजाक करते हुए कहा, लेकिन सपना, शादी के बाद अगर मुझे तुम में कोई कमी नजर आ गई तो, इसलिए मैं शादी के पहले ही अपनी तसल्ली कर लेना चाहता हूँ। देखो सपना, अब मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता, मैंने कहा ना, आजकल तो शादी से पहले ये सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। सपना जल्दी से अपने हाथ हटाओ, अब जब इतना कुछ कर लिया है तो अब जरा सी बात के लिए क्यों मुझे इतना तड़पा रही हो। अभय की इस बात पर सपना ने भी गुस्से का दिखावा करते हुए कहा, ठीक है ना अभय, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो मत करो मुझसे शादी। ये कहते हुए सपना दिल ही दिल में मुस्कुराने लगी और कहने लगी, अभय, तुम्हारी बातों ने तो मेरा दिल पिघला दिया था, लेकिन अब तो मैं अपना आप तुम्हें बिल्कुल भी नहीं दिखाऊंगी। तब फोन की दूसरी तरफ अभय ने भी अपना नाटक जारी रखा और दुखी सा मुंह बनाते हुए कहा, ठीक है सपना, तुम्हारी मर्जी, अब मैं तुम्हें मजबूर तो नहीं कर सकता ना। इतना कहकर अभय फोन रखने का नाटक करने लगा तो सपना ने उसे फोन रखने से रोक दिया और कहने लगी, अरे अभय, नाराज क्यों होते हो, मैं तो मजाक कर रही थी। पहले तुम ये बताओ कि कल तुम मुझे मॉल घुमाने ले जाओगे या नहीं, और कल जब तक तुम मेरे साथ रहोगे तब तक सिर्फ और सिर्फ मुझे ही अपना वक्त दोगे और कोई भी कॉल अटेंड नहीं करोगे। और हाँ, मॉल घूमते वक्त तुम मेरे करीब आने की कोशिश तो बिल्कुल भी नहीं करोगे, बस हम दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलेंगे और तुम मुझसे एक भी गलत बात नहीं करोगे। तब अभय ने कहा, अरे बस बस सपना, एक साथ इतनी सारी शर्तें, मुझसे प्यार कर रही हो या बिजनेस डील। ये कहते हुए अभय वीडियो कॉल पर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, सपना, सच बताऊं तो जब मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने देखता हूँ ना, तो ये रीति रिवाज सब कुछ भूल जाता हूँ। उस वक्त अगर मुझे कुछ याद होता है तो बस ये कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, क्योंकि मैंने दिल से तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया है। और फिर पत्नी के साथ तो ये सब करना जायज ही होता है ना, इसीलिए मैं ये प्यार भरी शरारत तुम्हारे साथ कर लेता हूँ। लेकिन तुम तो इतनी जालिम हो कि मुझे अपना हाथ तक पकड़ने नहीं देती, और अगर गलती से कभी हाथ पकड़ भी लिया तो उसी वक्त नाराज हो जाती हो। लेकिन तुम नहीं जानती सपना, जब मैं तुम्हें अपने सामने देखता हूँ ना, तो मैं खुद पर कैसे कंट्रोल रखता हूँ। लेकिन आज के दिन तो मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनूंगा, क्योंकि आज तो मुझे तुम्हें कुछ भी करके देखना ही है। मेरी आंखों में देखो सपना, मेरी आंखों में तुम्हें वो खुमारी नजर आएगी जो सिर्फ एक सच्चे दीवाने की आंखों में होती है। जब तुम मेरी आंखों के सामने होती हो ना, तब मेरा जी करता है कि बस तुम ऐसे ही मेरे साथ और मेरे पास रहो, और मैं तुम पर अपना सारा प्यार लुटाकर तुम्हारे साथ अपनी सारी हदें पार कर दूं, ताकि तुम भी मेरे बिना एक पल भी ना रह सको। अभय के मुंह से ऐसी दिल को छू लेने वाली बातें और तारीफें सुनकर सपना खुद को रोक नहीं पाए, क्योंकि सपना भी चाहती थी कि कोई लड़का उसकी खूबसूरती की तारीफ करे और वो उस लड़के को अपना सब कुछ सौंप दे। आज अभय के मुंह से अपनी तारीफें सुनकर सपना का दिल पिघल गया और उसने ठीक वैसा ही किया जैसा कि अभय चाहता था।
सपना ने वीडियो कॉल पर अभय के सामने खुद को बिल्कुल वैसे ही पेश किया जैसा कि अभय उसे देखना चाहता था। वीडियो कॉल पर सपना जिस हालत में मौजूद थी उस हालत में एक लड़की को देखने का हक सिर्फ और सिर्फ उसके पति का ही होता है। भले ही अभय सपना का पति नहीं था लेकिन सपना ने अभय को ही अपना पति मान लिया था और इसीलिए उसने अभय को अपना सब कुछ दिखा दिया था। सपना की खूबसूरती देखकर तो अभय की हालत देखने लायक थी और उसकी आंखें तो फटी की फटी रह गई थी। अभय को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो तो खुद पर काबू ही नहीं रख पा रहा था और वो अभी के अभी सपना के पास आ जाएगा और पूरी रात सपना के साथ ही बिताएगा। सपना भी अभय की तारीफें सुनकर खुश हो रही थी लेकिन वो ये भूल गई थी कि एक पति कभी भी अपनी पत्नी को बेपर्दा करके उसका अपमान नहीं करता, बल्कि वो तो अपनी पत्नी की इज्जत के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देता है। लेकिन अब सपना को अपने किए पर पछतावा हो रहा था क्योंकि अभय ने प्यार के नाम पर सपना के चेहरे पर जो थप्पड़ मारा था उसने सपना को जिंदगी भर के लिए शर्मिंदा कर दिया था। सपना को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अभय उसके साथ ऐसा कुछ भी कर सकता है। अभय ने सपना के साथ जो कुछ भी किया था सपना तो अपना होश ही खो बैठी थी और इस वक्त वो ये भी भूल गई थी कि वो कहाँ खड़ी है। सपना की आंखों से आंसू बह रहे थे और उसे अपने आसपास की जरा सी भी परवाह नहीं थी कि उसे देखकर लोग क्या सोचेंगे। सपना के हाथ थर थर कांप रहे थे और उसके हाथों से फोन छूटकर जमीन पर गिर चुका था। सपना ने सोचा कि इससे तो अच्छा होता कि ये मैसेज पढ़ने से पहले मुझे मौत ही आ जाती, क्योंकि स्क्रीन पर जो मैसेज चमक रहा था वो कुछ ऐसा था कि अगर अपनी इज्जत बचाना चाहती हो तो चुपचाप 50,000 मेरे अकाउंट में भेज दो, वरना तुम जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। और ये मैसेज किसी और ने नहीं बल्कि खुद अभय ने भेजा था। कुछ देर तक सपना चुपचाप वहीं खड़ी रही क्योंकि उसे अपने कानों में सिर्फ और सिर्फ मोबाइल की घंटी की आवाज ही सुनाई दे रही थी। लेकिन फिर बहुत सारी गाड़ियों के हॉर्न की आवाज सुनकर सपना अपने होश में आई और जब सपना ने अपनी चारों ओर देखा तो पता चला कि वो तो सड़क के बीचों बीच खड़ी थी जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो गया था। सपना को चारों तरफ से गाड़ियों ने घेर लिया था और गाड़ी में बैठे लोग उसे वहां से हटने के लिए कह रहे थे, तो वहीं सड़क पर चल रहे लोग सपना को अजीब नजरों से देख रहे थे। सपना इस समय सब्जी खरीदने के लिए बाजार आई हुई थी और अब वो खुद को संभालने की कोशिश भी कर रही थी लेकिन उसकी आंखों से तो आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और फिर उसी ट्रैफिक में से सपना ने एक ऑटो रिक्शा रुकाया और उसमें बैठकर घर के लिए निकल गई। रिक्शे वाला बार बार सपना से पूछ रहा था, मैडम मैडम आपको कहाँ जाना है। लेकिन इस वक्त तो सपना को खुद भी कुछ याद नहीं आ रहा था कि वो रिक्शे वाले को अपने घर का पता बता सके, क्योंकि इस वक्त तो सपना खुद भी अपने घर का पता भूल चुकी थी। वो रिक्शे वाला भी सपना को अजीब नजरों से देख रहा था और उस रिक्शे वाले को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सपना को पागल समझ रहा था। सपना ने घबराते हुए टूटे फूटे शब्दों में रिक्शे वाले को अपने घर का पता बताया और उसी वक्त सपना के मोबाइल की रिंगटोन बजने लगी थी। सपना के व्हाट्सएप नंबर पर कई सारे मैसेजेस आ चुके थे जिन्हें देखकर सपना का दिल घबराने लगा था, क्योंकि स्क्रीन पर सपना की फिर से कुछ ऐसी तस्वीरें आ चुकी थी जो वीडियो कॉल के दौरान खींची गई थी। सपना की ये तस्वीरें अभय ने ही भेजी थी और आज अपनी इन तस्वीरों को देखकर सपना की नजरें शर्म से झुक गई थी। सपना की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और आज उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। सपना ने तो अभय पर आंख मूंद कर भरोसा किया था क्योंकि उसे लगता था कि अभय उससे शादी करेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, सपना ने तो दिल ही दिल में अभय को ही अपना पति मान लिया था, लेकिन सपना ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि अभय उसे इस तरह से धोखा दे देगा।
थोड़ी ही देर में ऑटो रिक्शा सपना के घर के बाहर आकर रुक गई और सपना जल्दी से रिक्शा वाले को पैसे देकर सीधे अपने कमरे में चली गई। सपना की माँ जो सब्जियाँ आने का इंतजार कर रही थी, सपना को अपने कमरे में जाते हुए देखकर कहने लगी, अरे सपना, तुम वहाँ अपने कमरे में कहाँ जा रही हो और सब्जियाँ कहाँ हैं? सब्जियाँ ऑटो में ही भूल गई हो क्या? जब तक सपना की माँ बाहर ऑटो रिक्शा में देखने जाती, तब तक ऑटो रिक्शा जा चुका था। और अंदर आकर देखा तो सपना ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। सपना की माँ सपना की हालत को समझ नहीं पाई और सपना को दो बातें सुनाते हुए कहने लगी, नखरे तो देखो इस लड़की के, एक काम बताया था वो भी नहीं कर पाई, जब देखो तब मोबाइल में ही पड़ी रहती है। मैंने इसे बताया भी था कि आज भाई घर पर नहीं है और वो किसी जरूरी काम से बाहर गया है, तो सिर्फ एक दिन के लिए मुझे सब्जियां लाकर दे दे। लेकिन नहीं, ये महारानी तो घूम फिर कर खाली हाथ ही वापस आ गई, अब मुझे ही जाकर सब्जियां लानी पड़ेंगी। एक तो पहले ही इतनी देर हो गई है और अब इस महारानी ने सब्जियां ना लाकर और भी ज्यादा देर करवा दी है। इतना कहकर सपना की माँ सब्जियां लाने घर से निकल गई और सपना अपने कमरे में जाकर तकिए में मुंह छिपाकर जोर जोर से रोने लगी। सपना ने अपने प्यार में अंधी होकर ये सब कुछ कर तो लिया था, लेकिन अब उसे खुद ही अपनी हालत पर तरस भी आ रहा था और अपनी गलती पर पछतावा भी हो रहा था। सपना ने अभय के कहने पर अपने शरीर से सारे पर्दे हटा दिए थे और आज वही अभय सपना को ब्लैकमेल कर रहा था। अभय ने सपना से 50,000 रुपए मांगे थे, लेकिन इतने सारे रुपए सपना भला कहां से लाती? और ऊपर से अभय ने सपना को धमकी भी दी थी कि अगर सपना ने उसे पैसे नहीं दिए तो वो सपना की सारी तस्वीरें उसके भाई को भेज देगा। और ये सुनकर तो सपना को डर के मारे पसीना आने लगा था और डरते डरते ही सपना ने फिर से अपना मोबाइल उठाया तो देखा कि अभय ऑनलाइन था। सपना ने अभय को कॉल किया, तब कुछ देर तक तो रिंग बजती रही, लेकिन कुछ देर बाद अभय ने कॉल उठा लिया। अभय ने मुस्कुराते हुए सपना से कहा, हाँ सपना मेरी जान, बताओ कैसे याद किया मुझे, लगता है पैसों का इंतजाम हो गया है। अभय का बदला हुआ लहजा सुनकर सपना रोने लगी और अभय से विनती करते हुए कहने लगी, देखो अभय, अगर तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो तो प्लीज अभी के अभी ये सब बंद कर दो, क्योंकि मुझ में ये सब बर्दाश्त करने की अब और ज्यादा हिम्मत नहीं है। तुम नहीं जानते हो अभय कि इस वक्त मेरी हालत क्या हो गई है, मेरा दम घुट रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी के अभी मेरी जान निकल जाएगी। सपना की बात सुनकर अभय कॉल पर जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, सपना माय डार्लिंग, तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक कहता था कि तुम बहुत ही भोली हो, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि तुम सिर्फ भोली नहीं बल्कि हद से ज्यादा भोली हो और तुम सब पर कितना जल्दी यकीन कर लेती हो, लेकिन ना तो मैं तुम्हारी तरह भोला हूँ और ना ही मैं कोई मजाक कर रहा हूँ। मैंने तो तुमसे प्यार का सिर्फ नाटक ही किया था ताकि तुम्हारा इस्तेमाल करके तुम्हारे भाई की कमाई पर ऐश कर सकूं। अजय तो मेरा जिगरी यार है और अगर मैं उससे सीधे सीधे पैसे मांगता तो अच्छा थोड़ी ना लगता, इसीलिए मुझे तुम्हारे साथ प्यार का झूठा नाटक करना पड़ा। अब तुम जल्दी से मेरे अकाउंट में 50,000 रुपए ट्रांसफर कर दो, अगर मुझे और जरूरत पड़ी तो मैं फिर से तुम्हें याद कर लूंगा। अभय की बातें सुनकर सपना और भी जोर से रोने लगी और उसे समझाते हुए कहने लगी, प्लीज अभय मेरे साथ ऐसा मत करो, जब भाई को ये बात पता चलेगी तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी। लेकिन अभय ने सपना की एक भी बात नहीं सुनी और उसी वक्त फोन काट दिया। अब सपना सोच में पड़ गई कि 50,000 की इतनी बड़ी रकम मैं कहां से लाऊंगी, क्योंकि सपना के पास तो सिर्फ 25,000 थे जो सपना ने बचपन से ही अपनी पॉकेट मनी से बचा बचा कर जमा किए थे। बाकी के 25,000 रुपए सपना ने अपनी माँ की अलमारी से निकाले और ये रुपए निकालते वक्त सपना का पूरा शरीर कांप रहा था, क्योंकि सपना ने ऐसा पहले कभी भी नहीं किया था। लेकिन इस बार सपना को अपनी इज्जत बचानी थी,
इसलिए उसने छुपके से अपनी माँ की अलमारी से पैसे निकाले और अभय को ट्रांसफर कर दिए। शाम को जब सपना का भाई घर वापस आया तो सपना का उदास चेहरा देखकर कहने लगा, क्या हुआ सपना, किसी ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की है क्या? तब सपना ने सिर हिलाकर बस इतना ही कहा, नहीं भाई, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है और मैं ठीक हूँ। तब सपना की माँ ने कहा, कुछ नहीं अजय, आज मैंने सपना को सब्जियाँ लाने को कहा था, लेकिन ये महारानी तो घूम फिर कर सब्जियाँ लिए बिना ही वापस आ गई। अजय अपनी माँ से कहने लगा, माँ आप भी ना कमाल करती हैं, एक तो आपने मेरी छोटी को सब्जियाँ लाने भेज दिया और ऊपर से उसे महारानी का ताना मार रही हैं, तब तो मेरी छोटी का नाराज होना बिल्कुल जायज है। अजय सपना की तरफ दारी कर रहा था कि तभी पीछे से अभय घर के अंदर दाखिल हुआ और कहने लगा, हाय ब्रो, व्हाट्सअप कैसा चल रहा है सब कुछ? अभय को देखते ही सपना के चेहरे का रंग बदल गया और पहले अभय का नाम सुनते ही जिस सपना का चेहरा लाल हो जाता था और उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती थी, आज उसी अभय के लिए सपना के दिल में सिर्फ और सिर्फ नफरत के भाव थे और आज उसी नफरत की वजह से सपना के दिल से अभय के लिए बस एक ही बद्दुआ निकल रही थी कि अभी और इसी वक्त अभय को मौत आ जाए। लेकिन जैसे हर किसी की दुआ कबूल नहीं होती, उसी तरह सबकी बद्दुआ भी कबूल नहीं होती और आज अपनी बदकिस्मती पर सपना की आंखों से आंसू बहने लगे थे, क्योंकि सपना ने तो अभय को अपना सब कुछ मान लिया था और अभय से सच्चा प्यार भी करने लगी थी, लेकिन अभय ने सपना को बहुत बड़ा धोखा दिया था। सपना ने खुद ही अपनी इज्जत को दांव पर लगा दिया था, लेकिन अब सपना को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी इज्जत को कैसे बचाए, क्योंकि अभय एक बार तो सपना से पैसे ले चुका था, लेकिन वो आगे भी उससे पैसे लेने का इरादा रखता था। सपना अभय को इतने सारे पैसे कहाँ से देती, और अगर वो अभय को पैसे नहीं दे पाती तो अभय पूरी दुनिया के सामने सपना को बदनाम कर देता। अब तो सपना के पास खुद के मरने या अभय की मौत की दुआ करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचा था। सपना के भाई ने भी अभय को गले से लगाया और कहा, यस ब्रो, सब कुछ ठीक चल रहा है, तू अपना हाल सुना। सपना के भाई ने अभय को गले लगा लिया था और दोनों काफी देर तक एक दूसरे को गले मिलते हुए खड़े रहे और तभी सपना की माँ भी आ गई, जो अभय को अपने बेटे जैसा ही मानती थी और वो भी अभय से बहुत अच्छे से मिली, लेकिन सपना बस उन सबको देखकर खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। जब अभय हमेशा की तरह सपना से मिलने लगा तो सपना ने अपनी नजरें नीची कर ली, क्योंकि आज अभय को देखकर सपना को घिन आ रही थी। सपना का मन तो कर रहा था कि वो अभय का कॉलर पकड़कर उससे पूछे कि ये सब क्या है, लेकिन फिलहाल सबके सामने सपना ने अपना मुंह बंद ही रखा। तभी सपना के भाई ने कहा, अरे सपना कहाँ खो गई हो, जाओ और जाकर खाना लगाओ, बहुत ही जोरों से भूख लगी है। अब तो मेरा यार भी आ गया है, दोनों यार साथ मिलकर खाना खाएंगे और खूब गपशप लड़ाएंगे। सपना ने अभय और अजय दोनों के लिए खाना लगाया और फिर अपने कमरे में जाने लगी। तब अजय ने कहा, अरे सपना तुम कहाँ जा रही हो, आओ तुम भी हमारे साथ बैठकर खाना खा लो। तब सपना ने अजय से कहा, नहीं भैया मुझे भूख नहीं है, लेकिन अजय ने जबरदस्ती सपना को अपने सामने बिठा लिया और सपना को ना चाहते हुए भी खाना खाने के लिए बैठना पड़ा। अभय सपना के ठीक सामने ही बैठा था और बार बार टेबल के नीचे से अपने पैर से सपना के पैर को मार रहा था। सपना जितना भी अपना पैर पीछे करने की कोशिश करती, अभय उतना ही अपना पैर आगे बढ़ाकर सपना के पैर को मार रहा था। पहले कभी सपना को अभय की ये हरकतें बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन आज उसे यही हरकतें बहुत बुरी लग रही थी। सपना ने जल्दी से एक दो निवाले खाए और फिर उठकर अपने कमरे में चली गई। अभय को अपनी आंखों के सामने देखकर सपना को आज ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि उसके सिर पर आसमान गिर पड़ा हो। अभय ने सपना के साथ जो कुछ भी किया था, अगर सपना अपने भाई को सारी हकीकत बता देती
तो अजय अभय का तो पता नहीं क्या हाल करता, लेकिन सबसे पहले तो वो सपना को ही जान से मार देता। यही सोच सोच कर सपना के आँखों की तो नींद भी उड़ गए थी, जबकि अभी भी अभय तो सपना की माँ और उसके भाई के साथ बैठकर मस्त मौला होकर बातें कर रहा था और सबके सामने मासूम बनने का नाटक कर रहा था। लेकिन सपना को तो अभय को देखकर घिन महसूस हो रही थी, क्योंकि सपना ने अभय को क्या समझा था और वो क्या निकला। अगले दिन जब सपना अपने भाई के साथ कॉलेज जाने के लिए निकल रही थी, तब उसके भाई की गाड़ी खराब हो गई थी। सपना और उसका भाई ऑटो मिलने के लिए वेट कर रहे थे कि तभी अभय अपनी कार लेकर वहीं से गुजर रहा था। अजय और सपना को ऑटो के लिए वेट करते हुए देखकर अभय ने अपनी गाड़ी रिवर्स घुमाई और कहने लगा, अरे अजय क्या हुआ, आज तुम गाड़ी से नहीं जा रहे हो क्या? तब अजय ने कहा, हाँ यार, एक तो आज गाड़ी खराब हो गई है और ऊपर से ऑटो भी नहीं मिल रही है। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है और अगर मैं पहले ही गाड़ी ठीक करवाने चला गया तो सपना को भी कॉलेज के लिए देर हो जाएगी। लेकिन भगवान का शुक्र है कि अब तुम आ गए हो यार अभय, चल जल्दी से गाड़ी स्टार्ट कर और मुझे ऑफिस में और सपना को कॉलेज में ड्रॉप कर दे। तब अभय ने कहा, हाँ क्यों नहीं यार, लेकिन बदले में तुझे वादा करना होगा कि रात का डिनर हम दोनों साथ में करेंगे। तब अजय ने कहा, अरे हाँ डन यार, पक्का आज का डिनर तेरे साथ ही करूँगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि बिल का पेमेंट मैं ही करूँगा। अभय सपना को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा था, जबकि सपना जो कि अभय से पागलों की तरह प्यार करती थी, ये सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि किस तरह से अभय ने उसका इस्तेमाल किया और अब वो अभय का पर्दाफाश कैसे कर सकती है। सपना अपनी ही सोचों में गुम थी कि तभी उसके भाई ने कहा, अरे सपना इतना क्या सोच रही हो तुम, जल्दी से गाड़ी में बैठो, हम दोनों को ही लेट हो रहा है। तब सपना ने अपने भाई से कहा, आप चले जाइए भाई, मैं ऑटो से चली जाऊंगी। सपना की बात सुनकर अभय कहने लगा, अरे सपना यहाँ इतनी जल्दी ऑटो कहाँ से मिलेगी, बेकार में ही तुम लेट हो जाओगी, चलो जल्दी से गाड़ी में बैठो, मैं तुम दोनों को ड्रॉप करके फिर आगे निकल जाऊंगा। अभय की बात सुनकर सपना को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका दिल उसके सीने से निकाल कर अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया हो। अगले ही पल अजय ने कहा, हाँ सपना, अभय बिल्कुल ठीक कह रहा है, हम यहाँ कितनी देर से खड़े थे लेकिन हमें एक भी ऑटो नहीं मिला, चलो जल्दी से गाड़ी में बैठो, हमारी वजह से अभय को भी लेट हो जाएगा। अजय की बात सुनकर अभय सपना की तरफ अजीब नजरों से देखते हुए मुस्कुराने लगा, लेकिन अभय की इस मुस्कुराहट को देखकर सपना के गाल तो गुस्से के मारे लाल हो गए थे। सपना और अजय दोनों ही अभय की गाड़ी में बैठ गए और पूरे रास्ते दोनों दोस्त एक दूसरे से बातें ही करते रहे। अजय का ऑफिस सपना के कॉलेज से पहले आता था, इसलिए वो पहले ही उतर गया और अब गाड़ी में सपना और अभय अकेले ही रह गए थे। सपना का कॉलेज अजय की ऑफिस से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर था, लेकिन आज सपना को ये 10 मिनट भी बहुत ज्यादा लग रहे थे, इसलिए सपना ने अभय से कहा, गाड़ी यहीं रोक दो अभय, मैं यहाँ से खुद ही चली जाऊंगी। लेकिन अभय बहुत ही बेशर्मी से अपनी दाढ़ी पर अपना हाथ फेरते हुए कहने लगा, क्यों जाने मन, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए, मेरे होते हुए मेरी जान मेरी स्वीट हार्ट को खुद ही कॉलेज जाना पड़े, ये कैसे हो सकता है भला, और तुम तो मेरे जिगरी यार की इकलौती और खूबसूरत जवान बहन हो, मैं भला तुम्हें ऐसे अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ। अभय के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सपना का दिल कभी पिघल जाता था, लेकिन आज अभय के मुंह से वही बातें सुनकर सपना को अभय से घिन महसूस हो रही थी। सपना को अभय से इतनी नफरत हो गई थी कि वो अभय की ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं कर पाई और रोने लग गई। सपना ने कहा, अभय मेरा दिल तो अभी भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि तुम मेरे साथ ऐसा भी कर सकते हो। अभय हम पिछले 2 सालों से रिलेशनशिप में हैं और पिछले 2 सालों में मैंने तुम पर इतना भरोसा कर लिया था
कि मैंने तुम्हारे लिए अपनी सारी हदें पार कर दी, और अब जब मैंने तुम्हें अपना पति मानकर तुम्हारे लिए इतना सब कुछ कर लिया, तो तुमने मुझे धोखा दे दिया। अभय, मैंने तो तुम पर आंख मूंद कर भरोसा किया था, लेकिन तुम्हें तो मुझ पर जरा सी भी दया नहीं आई। सपना की इन बातों का अभय पर कोई भी असर नहीं हुआ, क्योंकि अभय उन लोगों में से था जो लड़कियों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए ही करते हैं। सपना का भाई अजय एक बहुत बड़ी कंपनी में और एक अच्छी पोस्ट पर काम करता था, जबकि अभय भी एक अच्छी कंपनी में ही जॉब करता था, लेकिन उसकी सैलरी शायद बहुत कम थी। सपना अभय को अपने गीले शिकवे सुना रही थी ताकि अभय को सपना पर दया आ जाए और वो सपना को तंग करना छोड़ दे, लेकिन अभय पर तो सपना की एक भी बात का कोई असर नहीं हुआ और वो तो अभी भी सपना को बहुत ही गंदी नजरों से देख रहा था। अभय ने कहा, सपना, मैं भी तो तुम्हारी इस खूबसूरती का ही दीवाना हूँ और खूबसूरत लड़कियाँ तो मेरी कमजोरी हैं। मेरा तो काम ही यही है कि पहले खूबसूरत लड़कियों को बहला फुसलाकर अपने प्यार की जाल में फंसाना और फिर उन्हें टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक देना। इससे ज्यादा तो मैं किसी भी लड़की से कोई भी मतलब नहीं रखता, चाहे फिर वो कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो। बस अब तुम चुपचाप वही करती रहना जो मैं तुमसे करने के लिए कहूँगा, और बदले में मैं भी अपना मुंह बंद रखूँगा। अगर तुमने जरा सी भी चालाकी करने की कोशिश की ना, तो तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। और फिर ये तो तुम भी अच्छी तरह से जानती हो सपना, कि तुम्हारा भाई तुमसे ज्यादा मुझ पर भरोसा करता है। अगर मैं तुम्हारी वो वाली तस्वीरें अजय को भेज दूं और उससे सिर्फ इतना कह दूं कि तुम्हारी बहन ऐसी ऐसी तस्वीरें भेजकर मुझे बहकाने की कोशिश कर रही है, तो सोचो वो तुम्हारा क्या हाल करेगा। अभय की बात सुनकर सपना चुप हो गई, क्योंकि सपना अभय और अजय की दोस्ती के बारे में अच्छे से जानती थी कि वो दोनों दोस्त दो जिस्म और एक जान थे। उस दिन के बाद भी अभय ने कई बार सपना से पैसे मांगे थे, तब सपना अपने भाई की दी हुई सारी पॉकेट मनी अभय को दे देती थी। अभय सपना से कभी 10,000, कभी 20,000 तो कभी 50,000 मांगता था, और जब अभय को देने के लिए पॉकेट मनी कम पड़ जाती थी, तो सपना अपनी माँ की अलमारी से रुपये चुरा कर अभय को दे देती ताकि अभय सपना का राज छुपाए रखे। अब तो सपना भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि भगवान उसे इतनी शक्ति दे ताकि सपना अपने भाई और अपनी माँ को सारी सच्चाई बता सके। उन्हीं दिनों में सपना के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया, और सपना की माँ की एक सहेली ने अपने बेटे के लिए सपना को पसंद कर लिया था। और फिर जैसे ही सपना की पढ़ाई पूरी हुई, तो उन्होंने सपना के लिए अपने बेटे का रिश्ता भेज दिया। वो लड़का बहुत ही अच्छे और सभ्य परिवार से था, और सपना की माँ और उसका भाई तो उस लड़के की तारीफ करते नहीं थकते थे। लेकिन सपना ने तो प्यार और भरोसे के नाम पर इतनी गहरी चोट खाई थी कि अब उसे हर आदमी धोखेबाज ही नजर आता था। सपना ने अपनी माँ और भाई से साफ साफ कह दिया कि आप दोनों को मेरे लिए जो सही लगे वही कीजिए, बाकी तो मेरे नसीब में जो लिखा होगा वही होगा। कुछ दिनों बाद ही अर्जुन से सपना की सगाई हो गई, और जब सपना पहली बार अर्जुन से मिली, तब सपना के मन का सारा तनाव और गुस्सा एक पल के लिए गायब हो गया था। उस दिन सपना बहुत खुश थी, क्योंकि उसकी सगाई का फंक्शन बहुत ही धूमधाम से हुआ था, और सपना को खुश देखकर सपना का भाई और उसकी माँ भी बहुत खुश नजर आ रहे थे। सपना तो भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी कि सगाई वाले दिन अभय वहाँ पर मौजूद नहीं था, क्योंकि सपना जानती थी कि अगर उस दिन अभय वहाँ पर मौजूद होता तो कोई ना कोई तमाशा तो जरूर खड़ा करता। पिछले एक महीने से अभय ने सपना से बात करने की कोशिश भी नहीं की थी, और ना ही उसने कोई पैसे मांगे थे। और फिर जब सपना की अर्जुन से बातें होने लगी, तब सपना को पता चला कि अर्जुन तो एक बहुत ही अच्छा इंसान है। सपना के दिल में कई बार ये ख्याल आया कि वो अर्जुन को अपने पास्ट के बारे में सब कुछ बता दे कि किस तरह से अभय ने उसे धोखा दिया है, लेकिन फिर सपना ये सोचकर चुप हो गई
कि कहीं अर्जुन सच्चाई जानने के बाद उसे छोड़ ना दे। सच्चा प्यार क्या होता है ये तो सपना ने अर्जुन से मिलने के बाद ही जाना था, लेकिन अपने होने वाले पति से अपना कोई भी राज छुपाना ये भी तो एक बहुत बड़ा धोखा ही होता है। और सपना अभय की तरह धोखेबाज नहीं बनना चाहती थी, इसलिए उसने फैसला कर लिया कि वो अर्जुन को अपनी सारी सच्चाई बता देगी। और फिर यही सब बताने के लिए सपना एक दिन अर्जुन से मिलने चली गई। लेकिन जैसे ही सपना ने अपनी बात शुरू की, अर्जुन ने सपना के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और कहने लगा, बस बस सपना, मुझे समझ आ गया है कि तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारे पास्ट में क्या हुआ था और क्या नहीं, बल्कि मुझे तो इस बात की ज्यादा खुशी है कि तुमने खुद आकर शादी से पहले ही मुझे ये सब बताना चाहा, क्योंकि इतनी हिम्मत किसी भी लड़की में नहीं होती है। अगर तुम चाहती तो ये सच्चाई छिपाकर जिंदगी भर मुझे धोखे में रख सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया और मुझे तुम्हारी यही बात सबसे अच्छी लगी कि तुमने मुझसे कुछ भी नहीं छुपाया। देखो सपना, हर इंसान का कुछ ना कुछ पास्ट तो होता ही है, जैसे तुम्हारा है वैसे मेरा भी है, लेकिन अब जब हम दोनों शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं, तो उस अतीत के पन्ने को वहीं फाड़कर फेंक दो, मैंने भी वही किया है। सपना, आज, अभी और इसी वक्त से मैंने अपने दिल पर तुम्हारा नाम लिख दिया है और अब से मेरे दिल और मेरी जिंदगी पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही अधिकार होगा। और यही उम्मीद मैं तुमसे भी रखता हूँ कि अपने पास्ट को भूलकर मुझे अपनी जिंदगी में ऐसे शामिल कर लो ताकि हम दोनों के बीच कभी कोई तीसरा इंसान आ ही ना सके। आज सपना अर्जुन से मिलने के बाद बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही थी, क्योंकि आज उसके दिल से एक बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया था। लेकिन अपने घर पहुंचते ही सपना की ये खुशी फिर से एक बार परेशानी में बदल गई, क्योंकि जब सपना अपने घर पहुंची तो देखा कि अभय उसके घर पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। सपना के चेहरे पर की खुशी देखकर अभय के चेहरे की उड़ी हुई रंगत देखने लायक थी, क्योंकि सपना की माँ ने अभय को पहले ही बता दिया था कि सपना की सगाई हो चुकी है। लेकिन ये खबर सुनने के बाद अभय के चेहरे पर जो गंभीरता के भाव थे उसे देखकर तो सपना को घबराहट होने लगी थी। कुछ देर बाद अभय वहाँ से चला गया, लेकिन वो रात भर बार बार सपना को कॉल करता रहा। सपना ने हर बार उसका कॉल काट दिया, क्योंकि उसी वक्त वो अर्जुन से बात कर रही थी। लेकिन जब अभय ने कॉल करना बंद नहीं किया तो उसकी इस हरकत से तंग आकर सपना ने एक बार अभय की कॉल उठा ली। कॉल उठाते ही सपना ने अभय से कहा, देखो अभय, अब मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है, अब मेरी जिंदगी से खेलना बंद कर दो और मेरी जिंदगी से दूर चले जाओ, क्योंकि अब मैं तुम्हें भूल चुकी हूँ और अब मैं अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रही हूँ। तब अभय ने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत सपना कि अब तुम मेरा कॉल भी नहीं उठाती, मैं एक महीने के लिए बाहर क्या चला गया, तुमने तो मुझे भुला ही दिया और किसी और से सगाई भी कर ली। सपना मेरी जान, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि मेरे होते हुए तुम किसी और से सगाई कर लो और मैं चुपचाप ये सब होते देखता रहूं? और हमारी इस मैडम के तेवर तो देखो, सगाई होते ही इतनी हिम्मत आ गई है कि अब मुझसे जुबान भी लड़ाने लगी है। लेकिन सपना, तुम भूल रही हो कि अभी भी बाजी मेरे हाथ में ही है। क्या तुम जानती हो कि अगर वीडियो कॉल पर खींची हुई तस्वीरें मैं तुम्हारे होने वाले पति को भेज दूं तो क्या होगा? फिर तो तुम्हारा होने वाला पति चाहे कितना ही नेक दिल क्यों ना हो, वो तुमसे शादी करने के लिए कभी भी राजी नहीं होगा। अरे वो तो क्या, इस दुनिया का कोई भी सभ्य और संस्कारी लड़का तुमसे शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। अब तो तुम मेरे अलावा किसी और के लायक ही नहीं रही हो और अब तो तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी मेरे जैसे मतलबी इंसान के साथ ही गुजारनी पड़ेगी और मेरी जिंदगी में भी तुम्हें वो सम्मान और प्यार कभी नहीं मिलेगा, मेरी जिंदगी में भी तुम बस एक दूसरी औरत बनकर ही रह जाओगी।
अभय की बातें सुनकर तो सपना के चेहरे की रंगत ही उड़ गई थी। तभी अभय कहने लगा, सपना, अगर तुम पूरी दुनिया में अपनी इज्जत उछालना नहीं चाहती तो चुपचाप इस शादी से इनकार कर दो, क्योंकि मैं इतनी आसानी से तुम्हें किसी और का नहीं होने दे सकता। सपना ने भी अभय से साफ साफ शब्दों में कह दिया कि मैं सिर्फ और सिर्फ अर्जुन से ही शादी करूंगी, तुम्हें जो भी करना है तुम कर सकते हो। सपना की इस बात के जवाब में अभय ने सपना से कहा, ठीक है सपना, अब जब तुम में इतनी हिम्मत आ ही गई है तो मैं तुम्हारी सारी वीडियोस तुम्हारे भाई के नंबर पर भेज देता हूँ और उसे ये भी बता देता हूँ कि तुम्हारी बहन अर्जुन को पसंद नहीं करती, बल्कि वो तो मुझे पसंद करती है और मुझे अपनी जिंदगी में लाने के लिए वो मुझे खुद की ऐसी ऐसी वीडियोस भेजती है जिससे कि मैं उसकी जाल में फंस जाऊं। देखो सपना, अगर तुम अपनी जिंदगी में ये सब नहीं चाहती ना, तो सुबह होते ही इस रिश्ते के लिए इनकार कर देना। और हाँ, एक बात और कि 2 दिनों के अंदर अंदर 40,000 रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाने चाहिए, वरना तुम्हारी ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे भाई तक ही नहीं पहुंचेगी, बल्कि पूरी दुनिया में वायरल हो जाएंगी। सपना, तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? इतना कहकर अभय ने फोन काट दिया और सपना का दिल किसी सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा था। सपना को अब डर सताने लगा था कि अगर अर्जुन को ये सब पता चल गया तो क्या होगा, और अगर सपना के भाई अजय को सारी सच्चाई पता चल गई तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। सपना के दिमाग में यही सारी बातें घूम रही थी और फिर सपना ने सोचा कि मुझे इस रिश्ते से इनकार कर ही देना चाहिए ताकि मेरे साथ साथ अर्जुन की जिंदगी भी बर्बाद ना हो। लेकिन अगली सुबह होते ही अर्जुन के घर वाले शादी की तारीख पक्की करने सपना के घर आ चुके थे और फिर अगले हफ्ते की तारीख भी पक्की हो गई और शादी की तैयारियां भी शुरू हो गई थी। सपना को तो इतना वक्त ही नहीं मिला कि वो अपना मोबाइल भी उठा सके। अभय भी शादी की तैयारियों में अजय का हाथ बटाने के लिए आया था, लेकिन उसका असल मकसद तो कुछ और ही था। अभय तो बस मौका ही तलाश कर रहा था कि किसी तरह से वो सपना से अकेले में बात कर सके और उसे धमका सके, लेकिन अभय को एक बार भी वो मौका नहीं मिला। सपना तो बस यही प्रार्थना कर रही थी कि किसी तरह से अर्जुन के साथ उसकी शादी बिना किसी परेशानी के हो जाए। भगवान ने सपना की ये प्रार्थना सुन ली, सपना और अर्जुन की शादी बिना किसी परेशानी के हो गई और सपना विदा होकर अपने अर्जुन के साथ अपने ससुराल आ गई। सपना जिस बेड पर बैठी हुई थी वो पूरा बेड फूलों से सजा हुआ था और पूरे कमरे को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। बेड के बीचों बीच लाल गुलाब की पंखुड़ियों से एक दिल बना हुआ था जिस पर सपना और अर्जुन का नाम लिखा हुआ था। सपना का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था और सपना अपने अर्जुन के आने का इंतजार कर रही थी। तभी सपना के मोबाइल की रिंगटोन बजने लगी और जब सपना ने उस नंबर को ध्यान से देखा तो वो अभय का ही नंबर था। सुबह से लेकर अब तक सपना अभय के 5 नंबर ब्लॉक कर चुकी थी और अब ये 6th कॉल थी। अभय हर बार एक नए नंबर से कॉल करता और सपना हर बार उसका नंबर ब्लॉक कर देती थी। सपना ने ये कॉल भी काट दी और जैसे ही नंबर ब्लॉक करने लगी तब अचानक ही उसके नंबर पर एक मैसेज फ्लैश हुआ। उस मैसेज को देखते ही सपना की हथेलियां गीली हो चुकी थी और उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। सपना ने सोचा, काश कि मैं शादी से पहले ही भाई को सब कुछ सच सच बता देती तो शायद आज मेरी ये हालत नहीं होती। सपना अब दिल ही दिल में घबराने लगी, हे भगवान, अब क्या होगा, कहीं मेरी नई जिंदगी शुरू होने से पहले ही अर्जुन ने मुझे छोड़ दिया तो। सपना कॉल पर फूट फूट कर रो रही थी और अभय से विनती कर रही थी कि वो उसकी जिंदगी बर्बाद ना करे। तब अभय ने सपना से कहा कि मैं सिर्फ एक ही शर्त पर ये सब तुम्हारे पति को नहीं बताऊंगा, अगर तुम शादी के बाद भी मुझसे रिश्ता बनाए रखो तो, और मुझे ऐसे ही पैसे देती रहो क्योंकि आखिरकार तुम्हारा पति भी तो बहुत अमीर है।
और हाँ, मैं जब कभी तुमसे मिलने के लिए कहूँ तो तुम अपने मायके का बहाना बनाकर मुझसे मिलने आ जाना और मेरी सारी जरूरतें पूरी कर देना। सपना, अब तो तुम अच्छे से समझ गई होगी कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। अगर तुमने जरा सी भी गलती की ना, तो मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। सपना अभय से बात करने में व्यस्त थी कि तभी अचानक पीछे से एक हाथ सपना के कंधे पर आया था। सपना तो अपनी जिंदगी की परेशानियों में ही उलझी हुई थी और उसे पता ही नहीं चला कि कब अर्जुन उसके पास आकर खड़ा हो गया था। अर्जुन ने स्क्रीन पर चमकते मैसेज को देख लिया था और अगले ही पल उसने आगे बढ़कर सपना का मोबाइल छीन लिया और कहने लगा, सपना ये सब क्या है? सपना फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, मैं उस दिन आपको यही सच्चाई बताना चाहती थी कि ये लड़का अभय मेरे भाई का दोस्त है और मैं और अभय एक दूसरे से प्यार करते थे। मैं तो अभय को सच्चे दिल से प्यार करती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अभय मुझे धोखा दे रहा है। अभय को सिर्फ और सिर्फ मेरे शरीर से ही मतलब था, लेकिन मैं किसी भी तरह से उसके जाल में नहीं फंस रही थी। और फिर उसकी लाख कोशिशों के बाद भी जब मैं उसके जाल में नहीं फंसी, तो उसने मुझे वीडियो कॉल पर अपनी बातों में उलझाकर मेरी कुछ ऐसी तस्वीरें खींच ली और अब वो उन्हीं तस्वीरों के जरिए मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। अभय मेरे साथ नाजायज संबंध बनाना चाहता है और मुझसे पैसे भी मांगता है। सपना की बात सुनकर अर्जुन ने कहा, मैं मानता हूँ सपना कि उस दिन मैंने तुम्हारी बात को बीच में ही काट दिया था, लेकिन तुमने ये सारी बातें अपने भाई और अपनी माँ को क्यों नहीं बताई? तब सपना रोते हुए कहने लगी, मुझे अपने भाई से डर लगता था कि पता नहीं सच्चाई पता चलने पर वो क्या कर देंगे। और वैसे भी भाई तो अभय पर खुद से भी ज्यादा भरोसा करते हैं, पता नहीं वो मेरी बातों पर यकीन करते भी या नहीं। और मैंने शादी से पहले आपको ये सच्चाई बताने की कोशिश की थी, लेकिन तब आपने ही मेरे अतीत के बारे में जानने से इनकार कर दिया था। और उस दिन के बाद मेरे दिल में आपके लिए इज्जत इतनी बढ़ गई थी कि मैं आपको खोना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने दोबारा इस बात का जिक्र भी नहीं किया। मैं आपको पाने के लिए खुदगर्ज हो गई थी, मुझे माफ कर दें अर्जुन। ये कहते हुए सपना ने अर्जुन के सामने अपने हाथ जोड़ लिए और फूट फूट कर रोने लगी। तब अर्जुन ने सपना के जुड़े हुए हाथों को अपने हाथों में थाम लिया और कहने लगा, सपना गलती तो तुमसे हुई है, लेकिन तुम्हारी उससे भी बड़ी गलती यह है कि तुमने इस बारे में अपने भाई और अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताया और चुपचाप वही करती रही जो अभय तुमसे करवाता रहा। इतना कहकर अर्जुन सपना का मोबाइल लेकर बाहर चला गया और सपना की पूरी रात ऐसी घबराहट में बीती कि अब पता नहीं आगे क्या होने वाला है। सपना का तो यही सोचकर बुरा हाल हो गया था कि ना जाने अर्जुन वापस आकर उसके साथ क्या करेगा। और इतनी रात को आखिर अर्जुन गया तो गया कहाँ? कहीं अर्जुन सपना की माँ और उसके भाई से लड़ने तो नहीं चला गया कि ये कैसी कैरेक्टर लेस लड़की आपने मेरे सिर पर मर दी है। अगले दिन जब अर्जुन वापस आया तब उसे थोड़ी सी थकान महसूस हो रही थी। अर्जुन सपना के पास आकर बैठ गया और सपना का हाथ अपने हाथों में थाम कर कहने लगा, सपना मैंने तुम्हारे सारे दुख अब दूर कर दिए हैं और अब तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। सपना ने रोते हुए एक बार फिर से अर्जुन से माफी मांगी तो अर्जुन ने रोती हुई सपना के होठों पर अपना हाथ रख दिया और कहने लगा, सपना जो बीत गया उसे भूल जाओ, अपने दिल से अतीत की वो हर याद को मिटा दो जो तुम्हारी जिंदगी में आने वाली खुशियों को खराब कर दे। और अब तुम यही मानकर चलो कि इस बात को तुम्हारे और मेरे अलावा और कोई भी नहीं जानता, तुम्हारी माँ और तुम्हारा भाई भी नहीं। तब सपना ने कहा, तो क्या कल रात आप मेरे भाई और मेरी माँ से बात करने नहीं गए थे? अर्जुन ने कहा, नहीं सपना, मैं कल अपने एक दोस्त से मिलने गया था जो कि एक पुलिस अधिकारी है, और मेरे कहने पर मेरे दोस्त ने अभय के घर से वो सारे डिवाइस यानी कि उसका मोबाइल, लैपटॉप और पेनड्राइव जब्त कर लिए हैं
जिसमें तुम्हारी जैसी और भी कई लड़कियों की वीडियोस और तस्वीरें थी। मेरे दोस्त ने अभय के सारे डिवाइस से वो सारी वीडियोस और तस्वीरें डिलीट करवा दी हैं और उसे इन गलत कामों के लिए गिरफ्तार भी कर लिया है। अर्जुन की ये बातें सुनकर सपना अर्जुन के पैरों में गिर गई और कहने लगी, मैं बहुत किस्मत वाली हूँ अर्जुन, जो मुझे आप जैसा जीवन साथी मिला है। मैंने ये तो सुना था कि एक लड़की का परिवार अपनी बेटी की इज्जत को बचाने के लिए उसके होने वाले ससुराल से ऐसी बातें छुपाता है, लेकिन आज ये पहली बार देख रही हूँ कि एक पति अपनी पत्नी की सारी गलतियाँ उसके मायके वाले से छुपाने को कह रहा है। तब अर्जुन ने सपना को अपने पैरों से उठाया और कहा कि वो इसलिए सपना, क्योंकि अब तुम मेरे घर की इज्जत हो और मैं नहीं चाहता कि तुम अपने घर वालों की नजरों में गिर जाओ। और दूसरी बात ये है कि अगर तुम्हारे घर वालों को इस बारे में पता चल गया तो वो जब भी मेरे सामने आएंगे तो ना चाहते हुए भी उनकी नजरें शर्म से झुक जाएंगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब भी हम उनसे मिलें या फिर वो हमसे मिलें तो वो मेरे सामने सिर उठाकर चलें, ना कि सिर झुकाकर। और फिर अर्जुन ने सपना की आंखों से बहते हुए आंसुओं को साफ करते हुए कहा, सपना जो हुआ उसे अब भूल जाओ और अपने अतीत के पन्ने को वही अतीत में ही दफन कर दो। आज से हमारी जिंदगी की नई शुरुआत हो रही है, इसलिए आज हम दोनों सिर्फ एक दूसरे के बारे में ही बातें करेंगे। और फिर दूसरे दिन रात को सपना अर्जुन के लिए फिर से दुल्हन का जोड़ा पहनकर तैयार हो गई, क्योंकि शादी वाली पूरी रात तो अर्जुन सपना की परेशानियों को हल करने के लिए बाहर ही था। लेकिन सपना अर्जुन का वो ख्वाब पूरा करना चाहती थी जो हर एक लड़का अपनी सुहागरात के लिए देखता है। आज सपना अर्जुन की दुल्हन बनकर उसकी सेज सजाए बैठी हुई थी, तब अर्जुन ने आकर सबसे पहले तो सपना का घूंघट उठाया और उसके हाथों में मुंह दिखाई की अंगूठी पहनाई और फिर उसके माथे पर अपना प्यार बरसाकर अपने नए जीवन की शुरुआत कर दी। अर्जुन की बाहों में आकर सपना अपने अतीत के सारे दुख भूल गई थी, तो वहीं अर्जुन ने भी सपना को अपनी बाहों में लेकर उसे ये यकीन दिलाया था कि जब तक अर्जुन सपना के साथ है, सपना का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जहां अभय से मिलने के बाद सपना का मर्दों पर से भरोसा ही उठ गया था, तो वहीं अर्जुन के प्यार ने सपना को फिर से ये यकीन दिला दिया था कि हर मर्द एक जैसा नहीं होता। आज सपना और अर्जुन की शादी को पूरे 6 साल बीत चुके हैं और उनकी जिंदगी में एक छोटी सी सपना और एक छोटे से अर्जुन का आगमन भी हो चुका है, लेकिन आज तक अर्जुन ने एक बार भी सपना को उसके अतीत को लेकर कोई ताना नहीं मारा। और इसी बात के लिए सपना हर वक्त अपने भगवान का शुक्रिया अदा करती है कि जो प्यार और सम्मान उसे अर्जुन से मिला है शायद ही किसी और इंसान से मिल पाता, इसीलिए अब हर जन्म में अर्जुन ही उसका हमसफर बने। और दूसरी तरफ जब अजय को अभय की असलियत के बारे में पता चला तो वो भी अभय से नफरत करने लगा और उसने अभय से अपनी सालों पुरानी दोस्ती हमेशा के लिए तोड़ दी। खैर सपना को तो अर्जुन का साथ और उसका प्यार मिला और उसकी जिंदगी में धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन हर लड़की को अर्जुन जैसा समझदार जीवन साथी मिले ये जरूरी तो नहीं है। इसलिए दोस्तों मेरा तो बस आप सबसे इतना ही कहना है कि जब कभी नादानी में आपसे कोई गलती हो जाए तो सबसे पहले अपने परिवार में अपने माँ बाप या भाई बहन को बता दें, ताकि वो लोग आपकी उस तकलीफ में आपका साथ दे सकें और आपकी मदद कर सकें। वरना कहीं ऐसा ना हो कि डर के मारे अपनी गलतियों को छुपाने के चक्कर में आप खुद ही अपनी जिंदगी बर्बाद कर लें। जय श्री राम। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री राम या राधे राधे जरूर लिखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आपको हमारी कहानी का अपडेट सबसे पहले मिलता रहे। कहानी को अंत तक पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।